दोस्तों, आज हर कोई बागवानी का शौक़ रखते हैं, लेकिन आड़े आ जाता है ज़मीन। अगर बात शहर की की जाए तो काफ़ी किल्लत है ज़मीन की। हर कोई बड़े मकान या छोटे मकान में रहते हैं, वहाँ पर ज़मीन तो होती नहीं है। तो दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, टावर नुमा एक वस्तु है और इस टावर की मदद से आप अपने शौक को पूरे कर सकते हैं। इस टावर की मदद से आप अपने घर पर छोटे से जगह में सब्जी की खेती कर सकते हैं। हर तरह की सब्जी की खेती कर सकते हैं। सारा सिस्टम है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी की इसमें ज़रूरत नहीं है, पानी से ही ये सारी उपज हो सकती है। आपकी मिट्टी का नामो निशान इसमें नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे। विशेष जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सिस्टम है और कैसे लोग इसमें सब्जी की खेती कर सकते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सर, ये जो टावर है, ये इसका नाम क्या है? और आपने बताया कि इसकी मदद से हमारे भाई जो शहर में रहते हैं और शौक़ रखते हैं बागवानी का, शौक़ रखते हैं सब्जी की खेती करने का, तो अपने घर पर ही अपने शौक़ को पूरी कर सकते हैं, कैसे संभव है? इसमें देखिए कैसा है, सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में तो ज़मीन की समस्या है। बहुत लोग ज़मीन नहीं ले पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कोई चीज़ खेती कर रहे हैं तो लिमिटेड स्पेस है उनके पास, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि पानी का कमी होना या मिट्टी में अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका मतलब वो कीड़े लग जाते हैं, खाद देना, कीटनाशक देना। हाँ, तो एक ऐसी चीज़ें हैं कि आप बिना मिट्टी का कम पानी में और अपने घर के अंदर या टेरेस में कहीं भी आप वो कोई भी सब्जी आप उगा सकते हो इसमें। तो इस पद्धति की मदद से कोई भी भाई अपने घर पर छोटे से एरिया में सब्जी की खेती कर सकते हैं। सकता है, इसमें केवल करना है आपको छोटा सा कोई भी, अगर टमाटर है या बैगन है, चाहे मिर्ची हो, कोई भी फसल आपको केवल नर्सरी से लाइए और उसको धोकर केवल पौधा इसमें डाल दीजिए, बाकी का वो काम पूरा हो जाएगा उसमें। ये जो टावर, इसका क्या नाम है सर? इसका एरोपोनिक टावर। एरोपोनिक टावर नाम है इसका। एरोपोनिक मीन्स क्या होता है कि बिना मिट्टी का जो पानी, जो पौधे रहते हैं वो हवा में लटके रहते हैं और वो पानी उसको फुहारा देता है समय समय पर। इसमें जो टाइम सेटिंग किया हुआ है, एक घंटे में 5 मिनट केवल पानी चाहिए। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर 15 लीटर का टैंक है, वो एक बार अगर पानी भर दिए ना तो आपको कम से कम 4-5 दिन आराम से चलना है वो। तो आपका कहने का मतलब है कि इसमें जो पानी आप डालेंगे वो बर्बाद नहीं होगा, रिसाइकिल होता रहेगा। एक ही पानी आप देख रहे हो ऊपर से, वो नीचे फिर रिकलेक्ट हो रहा है वो। तो जैसे पौधा बढ़ेगा उस तरह थोड़ा सा पौधा पानी का खपत थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अब 15-20 लीटर पानी आपका 5 दिन आराम से चलेगा वो। तो ये टावर जो है सर, ये इसमें कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 48 का है, इस तरह मल्टीपल ऑफ 8 आप बढ़ा सकते हो, 48, 56, 64 इस तरह आप बढ़ा सकते हो। हाँ, बिजली की खपत सर कितनी होती है? बिजली की खपत कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए 14 वाट का पंप है तो वो केवल एक घंटे में 5 मिनट चलता है वो, तो 24 घंटे में आप समझ लीजिए एक घंटा भी नहीं चलता है। तो खर्च के नाम पर कुछ भी नहीं है, हार्डली 30-40 रुपया 50 रुपया मैक्सिमम महीने का बिल आएगा आपका, कुछ भी नहीं है। अगर एक टावर या दो टावर अपने घर में कोई भाई हमारे लगा लेते हैं तो कम से कम सब्जी की जरूरत घर की पूरी हो सकती है। नॉर्मल अगर कोई छोटा फैमिली है या 4-5 फैमिली है तो आराम से उनका सब्जी की जरूरत पूरी हो सकती है। हरा सब्जी उनको बाहर से नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी। लीजिए ये 24 इंच स्क्वायर फीट है और ये 1 मीटर हाइट है, इसमें आप 48 पौधे आप लगा सकते हो। तो 48 पौधे अगर सपोज टमाटर ही लगा लिया आपने तो आज के दिन में 100 रुपया किलो ज़्यादा है। अगर रोज़ अगर 2-4 भी टमाटर मिल रहा है आपको सब्जी में, हो गया के लिए हो गया। हरा सब्जी या हरी मिर्च हो या तो फिर धनिया हो या तो कोई पालक के पौधे हो गया, गोभी हो गया, सलाद के पत्ते हो गए, कुछ भी आप कर सकते, कुछ भी लगा सकते हैं आप। बीट रूट हो गया, गाजर हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें गाजर भी लग जाएंगे? गाजर भी लगेगा आपका आएगा। तो गाजर तो लंबा होता है सर, कैसे? हाइट केवल वो छोटा नहीं बड़ा नहीं होगा जैसा खेत में होता है, लेकिन होगा आपका, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा।